दोस्तों, क्या सोशल मीडिया पर संदीप महेश्वरी को धमकियां मिल रही हैं? जी हाँ, बीते दिनों जिस तरीके से दो लड़के संदीप महेश्वरी के चैनल पर आए और उन्होंने बताया कि उनको किस तरीके से लूटा गया है। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कुछ ही दिनों में आपको करोड़पति बनने का सपना दिखाते हैं। जी हाँ, संदीप महेश्वरी के शो में आए दो लड़कों ने बताया कि कैसे उनसे 50,000 और 35,000 रुपए लूट लिए गए इस नाम पे कि हम आपको एक ऐसा बिजनेस सिखाएंगे जिसके बाद आप महीने के लाखों रुपए कमाएंगे। और इन दोनों लड़कों को बिजनेस समझाने वाला कोई और नहीं, उनके अपने थे। आपके भी अपने बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि आपको नए नए बिजनेस के बारे में बताते होंगे और आपका पैसा कहीं ना कहीं लगवा देते होंगे। ऐसे ही वो इन दोनों लड़कों के साथ, इन दोनों लड़कों ने उस इंसान का नाम तो नहीं बताया लेकिन इसने ये बता दिया कि किस तरीके से वो बड़े बड़े बिजनेस की बात करते हैं। अगर हम YouTube पे ऐसे लोगों की बात करें तो इसमें दो तीन नाम निकल के आते हैं, जिसमें पहला नाम निकल के आता है विवेक बिंद्रा। आपने इनके वीडियो कहीं ना कहीं देखे होंगे। ये लोग जिस तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं और करोड़ों रुपए और बड़े बड़े बंगलों का सपना दिखाते हैं, कहीं ना कहीं आप और हम इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन लड़कों ने कहा कि जब हम इनके ऑफिस में पहुंचे तो वहां पे माहौल कुछ और ही था। इनकी तारीफ में काफी सारे यूट्यूबर बोलते हैं लेकिन वहां पर कुछ ऐसे लोग बैठाए जाते हैं जिनको देखने के बाद आप इन्फ्लुएंस हो जाओ। जी हाँ, इन लड़कों का बोलना है कि वो दिखने में बहुत ज्यादा रिच लग रहे थे और बहुत ज्यादा एजुकेटेड लग रहे थे, और जिस तरीके से वो इनके शो की तारीफ कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं करोड़पति बन जाएंगे और उनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो जाएगा। इनमें से एक लड़के ने बताया कि मेरे पिताजी सिर्फ 15,000 रुपए कमाते हैं लेकिन मैंने किस तरीके से 50,000 रुपए देकर जब इस कोर्स को लिया तो उसमें कुछ भी नहीं था। कहीं ना कहीं इस कोर्स ने इन दोनों लड़कों के साथ ऐसे लाखों लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। इस लड़के का बोलना है कि मैंने 50,000 का कोर्स लिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 1,00,000 बच्चों ने इस कोर्स को लिया होगा तो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा इन लोगों ने कमा लिया होगा। और इन लड़कों का बोलना है कि ऐसे लाखों बच्चे हैं जिन्होंने इनके कोर्स को परचेज किया है। इन लड़कों का बोलना है कि ये लोग अक्सर ऐसे बच्चों को लेते हैं जो कि मिडिल क्लास के हो और जिन्होंने 10th या 12th करी हो। ऐसे बच्चों को ये झांसा देकर इनसे 50,000 रुपए ले लेते हैं और उसके बाद इनको कोर्स के नाम पर कुछ नहीं सिखाते। और उसके बाद जब इन बच्चों को लगता है कि इनके पैसे डूब गए हैं तो उन लोगों का सबसे अच्छा तरीका है कि वो लोग बोलते हैं कि आप अपने और दोस्तों को लेकर आओ और उसके बाद जो भी कोर्स बेचेंगे उसमें हम आप लोगों को कमीशन देंगे। एक तरह से कहीं ना कहीं ये MLM मार्केटिंग की तरह है। लेकिन इतने बड़े ओहदे पर लोग जब पहुंच रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके से वो जनता के साथ स्कैम कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। और इसी को देखते हुए संदीप महेश्वरी ने इस वीडियो को अपने चैनल पे डाला और उसके बाद इनको थ्रेट मिलने शुरू हो गए हैं कि इस वीडियो को आप अपने चैनल से हटा दें, अदरवाइज आपके लिए ठीक नहीं होगा। और संदीप महेश्वरी को हम जानते हैं कि वो किस तरीके से लाखों लोगों की जिंदगी को बदलते हैं। संदीप महेश्वरी का बोलना है कि ऐसी बहुत सारी पहले भी कंपनियां थी जो फ्रॉड करती थी, उनके ऊपर कोर्ट केस चले और वो कंपनियां बंद हो गई। और अगर ये लोग बच्चों को बेवकूफ बनाकर उनको लूट रहे हैं तो बहुत जल्दी सरकार इनके खिलाफ एक्शन लेगी और ऐसे लोग बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। और अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में कोई ऐसे बच्चे हैं जो ऐसा कोर्स खरीदना चाह रहे हैं तो प्लीज उनको रोकें और इसकी पूरी जांच पड़ताल कर लें कि आखिर इसको बेचने वाले कौन लोग हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चीज से अवेयर हो जाएं और उनका पैसा भी बच जाए। और क्या संदीप महेश्वरी ने जो स्टेप लिया है वो सही है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए।